इस कंपटीशन की दुनिया में हर स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि वो स्टडीज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल करे। तो स्टडी टिप्स, एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। अगर आपको स्टडीज में कामयाब होना है, आप किसी भी लेवल पे हो, स्कूल पे हो, कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में हो, तो आपको रोज का काम रोज करना होगा। लेकिन रोज का काम हम रोज कैसे करें, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले आप एक अलग कॉपी रखिए अपने पास या डायरी रखिए। जो भी काम आपको मिले कॉलेज में, वो आपने उस कॉपी पे लिख लेना है। सिर्फ उसके हेडिंग्स लिखनी है, टाइटल। मसलन आज बायोलॉजी का हुआ है, आज इस चैप्टर का हमने पढ़ा है, आज साइंस जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मतलब जितने लेक्चर्स आपके हुए हैं वो सब आपने तरतीब के साथ लिखने हैं और आगे उन टॉपिक्स के नेम लिखने हैं जो आपने पढ़े हैं। अब आपने घर जाके सिर्फ उन आर्टिकल्स को देखना है उस कॉपी के ऊपर से। अब डिसीजन यहाँ पे ये है कि हम पहले आसान पढ़ें या मुश्किल पढ़ें। आसान मुश्किल कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट की बात होती है। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है आपको वो चीज़ आसान लगेगी, जिसमें नहीं है वो मुश्किल लगेगी। अब करने तो हमने दोनों हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो करें जिसमें आपका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? एक शख्स से पूछा गया कि अगर तुमको मेंढक दिया जाए खाने को तो किस टाइम खाओगे? वो कहता है कि मैं सुबह सुबह ही खा लूंगा उसे। और उसकी रीज़न इसने ये बताई कि बाद में सारा दिन मैं आराम से रहूँगा, चैन से रहूँगा, मतलब मैं उसको डिले नहीं करता जाऊँगा। बिल्कुल इसी तरह जिस सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट नहीं है, जो आपको सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है, वो सबसे पहले पढ़िए। क्यों? क्योंकि अगर वो आपने पहले ना पढ़ा तो ये 99.9% चांसेस हैं कि बाद में आप उसको देखोगे भी नहीं। लेकिन जब आप उसको पढ़ लोगे तो फिर जाहिर बात है जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो तो आपने पढ़ना ही है।